रे 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 रे। अरे रे रे रे। आउच। अरे माँ। अम्मी चांद जैसी भाव बोले थे, ये चांद में बादल आ क्यों? अंधे हो, देख कर नहीं चला सकते? कोने से जा रही तो भी टक्कर मारते। सॉरी मैडम, मैं बच्चों से बात कर रहा था। मैं तुम ऑटो वालों को अच्छी तरह से समझती हूँ। तुम ऑटो वाले ऑटो चलाते चलाते फिल्मों के पोस्टर देखते हो, लोगों को टक्कर मार देते हो। मैं तो बच्चों को बिठा के लेके जा रहा था ना मैडम, आप इस बीच में आ गए ना। लगता है मोच आ गई। लगता है मोच आ गई मैडम, जर्रे के पास लेके जाना पड़ता। चलिए। चलो बच्चा, सब लोग बाजू हटो, टीचर को बैठने दो। बेटा बैठिए मैडम। मुझे मिल आया ना, टीचर को बैठने दो। मुझे घर छोड़ दीजिए आप। ऐसा कैसा हो सकता मैडम, जख्म मैंने दिया तो मरहम पट्टी भी मैं कराऊंगा ना, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप बेफिक्र रहिए मैडम, कुछ भी बोलो, चांद का टुकड़ा है रे बाप। बस बस बस, यही रुक दो। हेलो उतरो मैडम। हाँ आ गई सुमैया। हाय हाय, ये क्या तबीयत हो गई इसके पैर को। सुमैया ये क्या हो गया, वो भी आज के दिन? खाला आज के दिन बोले तो अमावस है क्या? अरे नहीं जी, आज के दिन सुमैया को लड़के वाले देखने आ रहे थे। अम्मी आप मेरे को कुछ बोले भी नहीं। मैं बोलती तो तू मान जाती क्या? अपनी माँ के चक्कर में अपनी उम्र निकाल रही। मेरा क्या है बेटा, इसकी शादी हो जाए तो मैं चैन की सांस ले सकूं। मैं कौन सा आपके सीने पे पत्थर बन के बैठी हूँ? जवान बेटी, माँ बाप के सीने पे पत्थर जैसी छोटी, तेरी शर्त के मुताबिक कोई घर दामद मिलने से तो रहा। ये घर दामद किसको बोलते खाला? अरे इतना भी नहीं समझते, मेरे को छोड़ के जाना ही नहीं चाह रही। ओहो, तो घर दामद तो लाना ही पड़ेगा ना। ये सब तुमको कही कुजी, कितने पैसे हुए तुम्हारे? अरे नहीं खाला, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। वो कही को बाबा, तुम क्या हमारे रिश्तेदार है? समझ लो या बना लो, कोई भी रिश्ता। ओ हेलो, चलो जाओ यहाँ से। दो दिन के बाद फिर आता हूँ खाला पट्टी बनाने को। तुम इस कहीं को आते? वो क्या है, आपकी बेटी को मैं टक्कर मारा ना खाला, इलाज भी तो मैं कराना है ना। तू टक्कर मारा? अरे कहाँ झाड़ू का कट्टा, अभी बता दो। मजा आ गया यार, चलने वाले को टक्कर मारते जान दे। अब चल तू आराम कर। अरे शुकुर, इस तावीज की करामात बता। बोल, तेरे बाजू में जो खड़ा है उसके हाथ में क्या है? लाल डेरी है। देखा आपने, क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। हेलो, क्या बात है? जो है बेवा वो शादी करके हो जाए मेवा। मेवा बाबा, इस वक्त मैं एक बच्चा यहाँ पर खड़े हुआ है। खड़े हुआ है, मैं उसको बुलाना चाहूँगा। आ जाओ बच्चे। बच्चे इधर आ, ये देखो, इसको इरखान है। है। ये तावीज बनकर अपने अम्मी जान को बता दो, बेटा तुम्हारा इरखान कम हो जाएगा। ये तावीज को रात में सहला कर सुबह में पी लेना। बेटे गल्ले में 20 रुपए डालो, गल्ले पे काफी असर है। बच्चा इधर आ, हाथ ला, ये तावीज पकड़। ऐनक उतर, बता बाबा नजर आ रहे हैं? तालिया। देखा देखा आपने तावीज का कमाल। देख लिए तुमने, देखा तावीज का कमाल, इसको आंखें आ गई, अब ऐनक की कोई जरूरत नहीं है। बच्चा गल्ले में पैसे डाल बेटे, तू बहुत परेशान नजर आ रहा है। बेटे जुम्मे को जिलबी दरगाह में बांट दे बेटे, समझा? बच्चा बाबा इसको फूंक दो। आलिया। अरे सब तावीज़ दे रहे। अब आया उन पहाड़ के नीचे। खैर बेटा। अरे गफूर धंधा करने दे रहे। धंधा? बच्चा जमुरा और तुम बाबा? बच्चा जमुरा आंख बंद कर, आप बोल हमारा साथ कौन सा जानवर आई? घोड़ा। अब गधा। अब अरे मुर्गी है, क्या पूरा जू पार्क इधर लेके आया क्या? जू? ये इंसान है, और तू ये हैवान के साथ क्या काम करा रहे?
तुम इसको बिगाड़ दे रहे चिचा। अरे, अरे बेटा तेरे को कारखाने को जाओ बोले तो ये गुना खिला रहा तू। बाबा आख कर देते मालूम हुआ तो। कबड्डी 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 याद है चिन्ना? तुम माल लपटो, मैं ये दोनों को लपटता हूँ। अब आए लोग रंपस में, आज तो ये लोग का बदला निकाल के छाऊंगा। हमको धोखा देते कबड्डी का बदला गांव वालों, ये लोग आप लोगों को क्या बना रहे? ये फालतू तावीज इसमें कुछ भी नहीं है, मारो। इसे कहते हैं शेर पे सवा शेर। तुम लोग अपने आप को बड़े शेरा समझते, अजी असली सवा शेर तो वो शाह साहब निकले। सब ये शुक्र की तरफ से हुआ, छोटा भाई पैसे छिनवाता, बड़ा भाई जूते खिलाता। हाँ बाप भाई, वो तो कबड्डी का बदला था। नहीं बोल तो ही मेरा छोटा तुम्हारी सोबत में बहुत खराब हो जा रहा। ओहो वो छोटा है तेरा, है छोटा थाली बन के फिरता, उंगली दिए तो निप्पल समझ के चूसता। निप्पल चूसता? वो तो तुम्हारी गलीज ट्रेनिंग का नतीजा है। ऐसा अगर मैं ट्रेनिंग दिया ना इसको, देख क्या बोलते भोग क्या था बहु बोल के। मगर बाबा भाई आप जो डबल गेम खेल रहे ना, वैसे में जाली पाना हूँ, हर नट को लगता हूँ। इसलिए खाला मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम? वक्त के हालात ने मजबूर कर दिया मुर्गी चुराने पर, अरे वरना हम भी शेर के शिकारी है। क्या बात है? मगर भाई भाई है, मैं सही बोला ना भाई? दुरुस्त है। देखा इसको बोलते कुल्लम कुल्लम। हमारी मिसाल वैसी है खाला, वो मेंढकों की जैसी, एक चढ़ा तो दूसरा टांग पकड़ के खींचता। ना खुद चढ़ता ना दूसरों को चढ़ने देता, सही बोला तू। मिसाल तो अच्छी दी है बाबा भाई, फिर भी सबक कोई नहीं सीखे। भाई बच्चों से जूते खिलाया इनको, फिर भी नहीं सुधरे, देखो। नहीं बोलना यार ऐसा, तुम्हारे से बड़े बुजुर्ग है ना इनो, तुम लोग आपस में मिलजुल के कहीं को नहीं रहते यार? वो मिलजुल के रहे तो क्या नहीं कर सकते भाई, ये हाथ को देखो, पांच उंगलियां जब मिल गए ना बन जाती है मुट्ठी, अगर इससे एक मारे ना क्या होता मालूम है? चलो सब हाथ पे हाथ रखो। शुक्र भाई नो डबल गेम खेल रहे भाई, तुम बोरे बोल के रखना तो नहीं रखता था मैं। इसी तरह तुम लोग मिलजुल कर रहना, क्योंकि एकता में ही ताकत है। भाई भाई मैं एक शेर बोलते। हाँ, बोलो। मेरे डैडी बोलते थे, अपने अपने मजहब में अपना कत गट जाएगा, अब देखते हैं अपना देश कैसे बट जाएगा, हिंदू मुस्लिम दोनों है एक कैची के दो पहलू, जो भी बीच में आएगा वो कट जाएगा। क्या बात है जिन्ना, जियो मेरे लाल। पहली बार है ना? हाँ, कौन है देखो तो। कौन है? छू लच्छू। क्या रे साले, तू कल बहुत ही बोल रहा था सरदार। कौन तो भी है ये? अबा। अरे देखे तुमला ऑटो वाला रे के जबरदस्त आइटम को फटा के रखा ही नहीं। ए साले, गुद्दे में से जबान खींच लूंगा साले तेरी, औरत है, खामोश बैठ रहा हूँ साले। अरे तू सामने नको आ, तू सामने नको आ, तू गरीब गरीब नको आ, गरीब की जोर सबकी भाभी होती है भाभी। ठंडे ठंडे पानी से मुंह धोना चाहिए, खट्टा मीठा दही ले लो, दही मुन्नी बाई का दही ले लो, दही। अरे अंधा हूँ, कोई संदेह को घर तक छोड़ कर आओ। अरे अरे कफूर, तुझे क्या हुआ? कल तक तो तू ठीक था। कल तक तो मैं ठीक था, माँ ने कहा था बेटा किसी को आंख उठाकर मत देखना, जब से आंख उठाकर देखा तो हाथ भी मत उठाना, हो गया। जरा घर तक छोड़ देना था। चल ठीक है। अच्छा अरे 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 मुन्नी जरा टहरो, अरे खुशी का दिन, हमारा जन्मदिन। अच्छा लो एक चॉकलेट तुम लो, ए गफूर एक चॉकलेट तुम भी लेना था ना इसमें से। बहुत गर्म दिख रही चॉकलेट, हाथ डाल रहे हैं मुंह में डाल रहे हैं कि बेटा चॉकलेट नहीं खाना नहीं तो दांत खराब हो जाएंगे आग की तरह। चिन्ना ये क्या हो रहा मेरे भाई के साथ, नाइंसाफी हो रही। मेरा भाई आँख खो दिया और उसके साथ मजाक उड़ाया जा रहा। मुन्नी तुम भी गलत काम कर रही हो। कुछ नहीं करी रे बाबा। ए, मैं लेके जाते ना। आ, 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 है मुन्नी। चिन्ना जरा देख के जा बेटे, तू भी गिर जाएगा। आज सोच तुम्हारे सजा दूंगा ना, पूछो क्या सजा दूंगा। चला तू जो बोलेगा कर लेगी मैं। एक चीज उस काम के लिए अभी हम जिंदा है
पेट ले निकल यहाँ से, चल निकल। चल अब एक झप्पी दे दे। झप्पी? बाबा भाई तुम भी? क्या हो रहा है मुन्नी, ये सब पप्पी झप्पी? मैंने क्या किया? ये चारों लोग मेरी पप्पी लेने के लिए क्या कुछ नहीं करते, और एक तू है के? बोलना, फ्री में दूं क्या तुझे पप्पी? गले पड़ू। तू जब भी यहाँ आती ना, बस्ती के बच्चों को बुड्ढों को भी खराब करी। तू जाए यहाँ से, चल धाई का कुंडा उठा, चल चल उठा, चलो उठा के जाओ यहाँ से। और सुन, आइंदा तू बस्ती में आई तो तमीज से रहना, समझी? दही ले लो, दही। अरे तुम भी आ गए, एक घड़ा पानी लेने दो। क्या हुआ बाबा, भूल गए कल दावत में आते सो? हाँ तो क्या करना, दावत में बुलाए तो क्या एहसान करे? अरे ठहरो एक मिनट। हाँ क्या बोल रहे जी तुम, कहीं की दावत की बात कर रहे? अरे दावत करे तो क्या एहसान करे? दावत के एहसान को दिए 21 रुपए का लिफाफा ले लिए, भूल गए क्या? बात करे कहते दावत, एहसानों को दावत कर रही, तोहफों के वास्ते शादियां कर रहे हैं असल में। ये लाओ अंगूठी, लाओ वो लाओ, शादी खाने दूर दूर रख के शादी खाना सही भरो ने भरो, तुमला बोलना नहीं असल में, तुमला भाई होना तो होना नहीं। वो अरे यार जो बता दो देख ले तो, मैं भी यहां क्या बोल रहा हूं, मैं भी यहां। सरदार भाई, हां सरदार भाई, सरदार भाई, सरदार भाई, सरदार भाई। अरे क्या इंस्पेक्टर साहब, सरदार भाई को अंदर डाल दिए? अरे क्या तो भी तरीका है इंस्पेक्टर साहब, ये खामोश, ये कोई दीवानखाना नहीं है, पुलिस स्टेशन है। बोलो। मेरे को नवाब शाह साहब बोलते हैं, मैं सरदार की जमानत कराने आया हूँ। शाह साहब, केस फाइल हो चुका है, जो भी आपको कार्रवाई करना है अदालत से कीजिए। तुम्हारे चेहरे से रिश्वत खोरी की बुआरी इंस्पेक्टर, और हम देख रहे हैं। नवाब साहब, तुम्हारा पोजीशन का रिस्पेक्ट करके खामोश बैठा। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप लोग गरीबों में जुल्म करने सिवा और क्या कर सकते? इंस्पेक्टर साहब, सरदार भाई को छोड़ने कितने पैसे होते बोलो, दे देंगे। वैसे आपकी सूरत देखे तो ये मालूम हो रहा आप कितने रिश्वत खाए। तुम साले कमजोर लोग, अपने औकात देख के बात करो, मेरे को खरीदते रहे, दफा हो जाओ। चलो शाह साहब, ये जुल्म के कारखाने से रहम की उम्मीद नहीं की जा सकती। नू पब्लिक सर्वेंट सर, नीति तप्पुतुन्नारु सर। ये अब्बा साले, ये लेरा कोटेस्ता, ये वरिकिरा ये लुबिसुनो, पुलिस स्टेशन इदी। अब मेरी एक बात सुन लो इंस्पेक्टर, तुम शंकर से मिलकर एड़ी चोटी का भी जोर लगा लो, और मैं अदालत के जरिए तुम्हारे इस पिंजरे से सरदार को उड़ा के ले जाऊंगा। खामोशी से चले जाओ यहाँ से, अगर मेरा बेजा खराब हो गया ना तो पूरों को अंदर डाल के ऐसा टोकूंगा, ऐसा टोकूंगा। चलो निकलो यहाँ से। चलो मियाँ, चलो यहाँ से नवाब साहब, चलो। क्या बोला था चलो इंस्पेक्टर साहब, एक बार बात करने बोला हो जाता था। तखला गरम हो गया यारो। यहाँ पा इड़के लो सर, रही लो। रे शिवा, सिगरेट इसके लापो। रे ये वर राले लोपड़ रानी चिनी। ए मुन्नी, तू मुन्नी मैं चिन्ना, तेरे को देखे तो मेरा दिल में सीटी बजता, मुझसे शादी करेगा? कर लेना के? मोना, मेरा मतलब मुन्नी, प्लान के मुताबिक आज मेरे घर के दरवाजे में कोई नहीं है, मैं चाह रहा था कि तुम आकर मेरे भी कपड़े धो देना था ना। क्या तो भी हो रहा, वो कहीं को सता रहे उसको। मुन्नी जरा मेरी लुंगी तो धो के दे। ए, अपनी बीवी से जाकर दुला, चल जा। अरे मेरे पास जोरू है तो मैं तेरे पास कहीं को आता था ये? मुन्नी डार्लिंग, क्या कर रही तू, कपड़े धो रही क्या? नहीं, बिरयानी पका रही, आ खा। बिरयानी तो अब तेरे को खाना है, वो भी सरदार भाई की शादी की। बहुत डोरे डाल रहे थे ना उनके ऊपर, बहुत पटाने की कोशिश करे, खत्म। अब सपने क्या करो मालूम, ऐसा खस्ते हुए निकल जाते तुम्हारे, समझे? अरे लुट गया, लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया मुन्नी तेरे पे। चल ना मेरे साथ। अरे चल हट। हाँ।